अच्छा, अब एक लम्हा आएगा जिसे कहते हैं लम्हा है फिक्रिया। अरे अल्लाह खैर, कुरान मेरे हाथ से निकल जाएगा। क्यों? उसकी वजह चार सवाल होंगे खवातीन से, वो क्या पूछेंगी और आप दोनों क्या जवाब देंगे। लम्हा फिक्रिया आपके लिए है। तो आप क्यों इतने अफसरदा हो रहे हैं? मैं इसलिए हो रहा हूँ, ये पब्लिक है जी, ये सब जानती है सर, और ये पथराव भी कर देती है। तो इसलिए अपने मिजाज को खुशगवार बना के, अगर आप लोगों के पास कैश वैश है तो किसी के पास रखवा दें, क्योंकि छिया झपटी में सबसे पहले लोग जेब में से पैसे नहीं। मेहमान हमारे इंतहाई मौजूद मोहतरम में मजाकन एक बात कर रहा था, और आप सवाल पूछेगा बड़े शायस्तगी से, बड़े उमदा तरीके से और बड़ा एंजॉय करके, क्योंकि ये बड़े ऑनरेबल लोग हैं और ये हमारे मुल्क के एक एक समझ लीजिए एक एक पहचान भी हैं, और एक तरीके से समझ लीजिए कीमती लोग हैं। थैंक यू। तो sir. आप अच्छा इस दफा बॉयज फर्स्ट। अच्छा बॉय यानी बॉय मैं कितने हूँ? अरे ये बॉय यहाँ मुझे बदनाम फिल्म याद आ गई, कहाँ से आए हैं बॉयज, कौन लाए बॉयज, किसने कहा इनको बॉयज? चलो ये हमारी बहन है, छूटो एस लगा दिया, कोई बात नहीं। अच्छा नहीं वो लेडीज फर्स्ट था ना, तो फिर मैंने बॉयज फर्स्ट कर दिया उसको। आप बॉयज फर्स्ट चुन रहे हैं। हाँ। चलिए रहीम शाह से पूछने वाला पहला सवाल शुरू कीजिए, देना कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शम्सुन्निहार तारिक है और मेरा सवाल रहीम भाई से है। रहीम भाई, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा सानहा पेश आया जिसकी वजह से आपने अपना पहला ही गाना इतना गमजदा गाया? इतना गमजदा गाना था वो कि लोगों ने मरहम लगा लगा के सुना। मेरी बहन, पहला गाना मैंने चूंकि घर भी नहीं बना था और मुझे किसी खातून का कोई गम नहीं था सिवाय इसके कि बस किसी तरीके से मेरे पांव टिक जाए ज़मीन के ऊपर, मैं कुछ कर लूं, तो सो ये साना इसे मैं कहूंगा कि एक अच्छा साना मेरे साथ हुआ है। तो उस बजरी के ऊपर जब मैं लिख रहा था तो ये साना पेश आया मेरे साथ पहला, कि पहले तो कभी कभी गम था और आज तक मैं वो गम सुनाता हूँ और लोग उससे महसूस होते हैं, तो ये सानहा है मेरे लिए एक जो मैं आज तक नहीं समझा कि ये कैसे मिल गई शोहरत अल्लाह की तरफ से। दूसरा सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल जाना मलिक से है। मेरा नाम रुखसाना है और मैं कराची ब्लू स्कूल में एज अकाउंटेंट जॉब करती हूँ। माशाल्लाह से आप एक खूबसूरत वर्सटाइल एक्ट्रेस हैं और स्कैंडल से पाक आपकी माशाल्लाह से पूरी ज़िंदगी अब तक गुजर रही है। आपकी पहली मुलाकात नुमान से कब, कैसे और कहाँ हुई? तो पहली आपको मुलाकात तो पता है? नहीं, 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 पता। नहीं मैं तो खामोश हूँ। मुझे पता था वो खामोश। अच्छा रुखसाना, हुआ ये कि पहली मुलाकात एक मूवी सिनेमा के पार्किंग लॉट में हुई थी और 12 अगस्त को 7:30 बजे का टाइम था। और फिर बस वायलिन बैकग्राउंड में आलाप और वो चलते हुए मेरे करीब आ रहे थे, मैं अपनी गाड़ी में से निकल रही थी और मैंने उनको देखा और हल्का सा बस काफ़ी था मेरे लिए। और फिर उन्हें एकदम से नजरें झुका ली कि यू नो चेहरे पे आ जाता है सारा, फिर अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल, और चलो 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 मूवी का टाइम हो गया, फिर हम सब अंदर चले गए मूवी देखने के लिए और मूवी देखी और बस मूवी कहाँ नजर आ रही थी किसको पता चल रहा था, कुछ भी नहीं। ये मूवी नहीं देख रही थी। ये देख रही थी ये इस फिल्म का अंजाम क्या होगा। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, अच्छा ही हो गया, शादी हो गई, कितना अच्छा हुआ।